असलम दोस्तों मैं हूं आपके साथ आयशा तो दोस्तों ऐसा लगता है कि टीम इंडिया दोबारा वर्ल्ड कप जीतने जा रही है ये आप लिख कर ले लीजिए और मैं ये हवाओं में नहीं बल्कि आज मैं फैक्ट्स के साथ बताऊंगी और टीम इंडिया को ये वर्ल्ड कप पांच खिलाड़ी जिताने जा रहे हैं और आप जल्द ही देखेंगे कि धोनी के बाद रोहित शर्मा के सिर भी वनडे वर्ल्ड कप जीतने का सेहरा बंधेगा खैर सबसे पहले आज सूर्य कुमार की बात करते हैं क्योंकि आज का हीरो सूर्य कुमार यादव है टीम इंडिया के इस बल्लेबाज ने क्या धोया है कसम से आज युवराज सिंह की याद आ गई लोग आज सिर्फ सूर्य कुमार यादव की बात कर रहे हैं सोचिए है एक ऐसा बल्लेबाज जिसका बल्ला पिछले करीब डेढ़ साल से खामोशी की चादर ओढ़े बैठा था वो आज धूम मचा रहा है उसने दो बैक टू बैक हाफ सेंचुरी मार दी है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में तो सूर्य कुमार यादव ने सैंतीस गेंदों में से बहत्तर रनों की पारी खेली उनकी इस पारी में छः छक्के और छः ही चौके थे यानी अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन किया जाए तो 60 रन सूर्य कुमार यादव के बल्ले से महज 12 गेंदों में निकले और शायद सूर्य कुमार की ब्लास्टिंग पारी की ही बदौलत टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को 400 रनों का टारगेट दे पाए और शायद आज इस पारी को देखकर लोग ये कह रहे हैं कि अगर वनडे में कोई बल्लेबाज तेरह शतक मार सकता है तो वो सूर्य कुमार यादव हैं वैसे एक बात कहूँ जब विकेट आपके फेवर में हो और आपको शानदार स्टार्टर मिल जाए तो फिर उन हालातों में गेंदबाज सूर्य कुमार के बल्लेबाज से नहीं बच सकते फिर चाहे वो कैसी भी गेंदबाजी कर लें गेंद स्टेडियम के पार ही जाती है इसलिए आज जो पारी सूर्य कुमार ने खेली है उसका श्रेय शुभम गिल और श्रेयस अय्यर को भी जाता है क्योंकि इन दोनों ही बल्लेबाजों ने सेंचुरी मारकर टीम इंडिया को अच्छा और शानदार स्टार दिया जिसके बाद ही सूर्य कुमार यादव को खुलकर खेलने का मौका मिला खैर में शुरुआत में बात कर रही थी कि टीम इंडिया इस बार वर्ल्ड कप जीतेगी और इस वर्ल्ड कप को टीम इंडिया के पांच खिलाड़ी वर्ल्ड कप दिलाएंगे तो पहला नाम तो उसने अफकोर्स सूर्य कुमार यादव का ही है और दूसरा नाम उसमें शुभम गिल का है क्योंकि शुभम गिल शानदार फॉर्म में चल रहे हैं शुभम के अलावा विराट कोहली का बल्ला भी शानदार फॉर्म में है रह वही बात करें गेंदबाजी की तो गेंदबाजी के मोर्चे पर इस बार एक्सपर्ट को लगता है कि विरोधी बल्लेबाजों की गिल्लियाँ मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी उखाड़ेंगे ये दोनों भी शानदार फॉर्म में हैं सिराज ने श्रीलंका में लंका का दहन किया और पिछले मैच में मोहम्मद शमी ने कंगारुओं को क्या खूब शिकार किया यानी बहुत मुमकिन है अगर ये खिलाड़ी इसी तरह से फॉर्म में रहे तो फिर वर्ल्ड कप को इस बार टीम इंडिया को जीतने से कोई नहीं रोक सकता तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर अब तक आपने खबरी मीटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें शुक्रिया